तो क्या होगा चेन्नई सुपर किंग का बेस्ट प्लेइंग 11 आईपीएल 2024 के लिए? या दोस्तों, यह सवाल पूरी तरह से चेन्नई सुपर किंग के फैंस के मन में चल रहा है, क्योंकि यह जो आईपीएल 2024 होने वाला है कोई ऐसा वैसा आईपीएल नहीं रहने वाला है, स्पेशली चेन्नई सुपर किंग के फैंस के लिए, क्योंकि बता दें कि हो सकता है शायद आखिरी सीजन हो एमएस धोनी का। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग का फैंस में यह सवाल जायज होता है, क्या होगा बेस्ट प्लेइंग 11 कि उसके साथ फिर से चेन्नई सुपर किंग चैंपियन बने आईपीएल 2024 का और एक बेहतरीन विदाई दे अपने महान कप्तान एमएस धोनी को। तो दोस्तों, इसी के बारे में पूरे डिटेल्स में बात करेंगे, क्योंकि हम जो प्लेइंग 11 बनाने वाले हैं आज, वो आईपीएल 2024 का सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 होने वाला है चेन्नई सुपर किंग का। या दोस्तों, इसी के बारे में पूरे डिटेल्स में चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट हम लाते रहते हैं। तो दोस्तों, बात करें चेन्नई सुपर किंग के बारे में, तो हमेशा से चेन्नई सुपर किंग अच्छा परफॉर्मेंस करती आई है, लेकिन हम कुछ वर्षों में देखे हैं कि चैंपियन बनने के बाद अगली सीजन में बेहद ही खराब परफॉर्मेंस करती है चेन्नई सुपर किंग, और फिर अगली बार जो कि चैंपियन बन जाती है। लेकिन दिक्कत यह है कि आईपीएल 2023 में चैंपियन बन चुकी है, इसी वजह से चेन्नई सुपर किंग के फैंस में यह डर सता रहा है, क्या आईपीएल 2024 बेहद खराब तो नहीं जाने वाला है, यही सवाल खाया जा रहा है। तो इसे हम बता दें कि जो प्लेइंग 11 आज हम बनाने वाले हैं उसके हिसाब से तो फिर से चैंपियन बन सकती है चेन्नई सुपर किंग। जो काम 2010 और 2011 में किया था चेन्नई सुपर किंग, वो काम फिर से 2023 और 2024 में कर सकती है चेन्नई सुपर किंग। तो सबसे पहले हम बात करें इनके ओपनर। या दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग के ओपनर ऑलरेडी कंफर्म है, क्योंकि वह ओपनिंग जोड़ी होने वाला है ऋतुराज गायकवाड़ और डैन कॉनवे का, क्योंकि यह जिस प्रकार का परफॉर्मेंस किया आईपीएल 2023 में, बिल्कुल बदलाव नहीं करेगी, चेन्नई सुपर किंग इसी ओपनर के साथ जाने वाली है, चाहे क्यों ना 3-4 मुकाबले में यह ओपनिंग जोड़ी फेल कर जाए, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग में एक कहावत है, किसी पर विश्वास जल्दी नहीं करती है, लेकिन जिस पर विश्वास कर लेती है आखिरी सांस तक खड़ी रहती है उस खिलाड़ी के साथ। तो ऐसा ही होने वाला है, ऋतुराज गायकवाड़ और डैन कॉनवे ओपनिंग करेंगे। इसके बाद नजर आएंगे अजिंक्य रहाणे, जो कि बेहद ही अहम रोल में आने वाले हैं, क्योंकि बता दें पहले अंबाती राइटू थे तो अजिंक्य रहाणे अंबाती राइटू मिलकर संभालते थे मिडिल ऑर्डर, लेकिन अब अजिंक्य रहाणे को यह काम खुद अकेले करना पड़ेगा। साथ में रहने वाले हैं डेरियल मिचेल, लेकिन वो अभी पहली बार खेलेंगे चेन्नई सुपर किंग से, इन पर अभी भी सवाल निशान है कैसा परफॉर्मेंस करेंगे, इस वजह से अजिंक्य रहाणे को कमाल को परफॉर्मेंस तो करना होगा। फिर नजर आएंगे भारत के चेन्नई सुपर किंग के सबसे महान कप्तान एमएस धोनी। यहाँ दोस्तों, एमएस धोनी जो कि कैप्टन भी रहने वाले हैं और विकेट कीपिंग भी करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग के लिए। तो वहीं बात करें जो इसके बाद नजर आएंगे, वह है रचिन रविंद्रा। जी हाँ दोस्तों, रचिन रविंद्रा भी कमाल के खिलाड़ी है और यह ऑलराउंडर कमाल का परफॉर्मेंस कर सकता है, और बता दें कि चेन्नई सुपर किंग के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं रचिन रविंद्रा जिस प्रकार से फॉर्म में चल रहे हैं। इसके बाद शिवम दुबे, फिर रविंद्र जडेजा के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है कि 3D प्लेयर है, बल्लेबाजी गेंदबाजी तो करेंगे ही, साथ में बेहतरीन फील्डर भी है जो कि चेन्नई सुपर किंग के लिए और मजबूत बना देते हैं। इसके बाद बात करें गेंदबाजी में, जहां पर नजर आएंगे हमें तुषार देशपांडे, मुस्तफिजुर रहमान और दीपक चहर। यह ऐसे खिलाड़ी है जो कि अपने दम पर मुकाबले जिता सकते हैं, स्पेशली मुस्तफिजुर रहमान चेन्नई के पिच पर बेहद ही घातक साबित होने वाला है। वहीं बात करें इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर, मुकेश चौधरी को यूज कर सकती है चेन्नई सुपर किंग। वहीं बात करें जो एक्स फैक्टर खिलाड़ी रहने वाला है चेन्नई सुपर किंग के लिए, इसमें जो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर खिलाड़ी रहेगा डेरियल मिचेल, दीपक चाहर, इसके अलावा रविंद्र जडेजा। जी हाँ दोस्तों, रविंद्र जडेजा कहीं पर रहेंगे उनको हल्का में लेना बेहद ही बड़ा गलती होगा, क्योंकि वह किसी भी तरीके से अपना योगदान देते ही रहते हैं अपने टीम के लिए। इसी वजह से हमें लगता है यह तीन सबसे अहम खिलाड़ी रहने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग के प्लेइंग 11 में आईपीएल 2024 के लिए। तो दोस्तों, यह हो सकता है चेन्नई सुपर किंग का बेस्ट प्लेइंग 11। आपका क्या राय इस पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ये मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।